हेलो एवरीवन, आई एम शुभम, वेलकम टू माय चैनल ब्रिंग्स ब्रेन। मैंने एक वीडियो बनाया था चॉइस फिलिंग को लेकर के, जिसमें बताया था कि आपको क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है एक अपना अच्छा लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए, किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसका कमेंट सेक्शन मुझे देख के समझ में आया कि आप लोगों को इसमें भारी कन्फ्यूजन है। किसी को ये हो रहा है कि अच्छे IIT में लोअर ब्रांच मिल रहा है या फिर न्यू IIT में हायर ब्रांच मिल रहा है। सेम NIT के साथ केस है कि आपका एक अच्छा NIT में एवरेज या लोअर ब्रांच, या फिर न्यू NITs या लोअर NITs में आपको एक हायर ब्रांच मिल रहा है। सेम IIITs के साथ कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिक होकर के केस वाइज बात करूंगा कि किस केज में आप किस तरह का कॉलेज या ब्रांच को आप ले सकते हैं। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, मैंने कॉलेज वर्सेज ब्रांच वीडियो बनाया हुआ, वो भी आपको देखना ही देखना है, बहुत ही आपको हेल्प करेगा। और ये मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या वो काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आप ही लोगों का कमेंट बता देता है कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, हेल्पफुल लगा। तो वो वीडियो आपको देखना है इस वीडियो को जाकर के, कॉलेज वर्सेज ब्रांच वाला, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। और जिनको भी डॉक्यूमेंट को लेकर के भी किसी तरह का भी डाउट है, मैं कर रहा हूँ किसी तरह के भी डाउट है, वो मेरा एक वीडियो है जोसा डॉक्यूमेंट के ऊपर, आपका आई बटन में आ रहा हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ, वो भी आप जाकर के देख लीजिएगा, मैक्सिमम चांस है कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले IITs के बीच का ही बात कर लेते हैं। अगर किसी को एक अच्छे IIT में, अच्छे IIT में जो टॉप का IITs का बात कर रहा हूँ, जो आपका 7-8 IITs हो गए ऊपर के, उसमें अगर आपको लोअर ब्रांच मिल रहा है, लोअर ब्रांच क्या हो गया, केमिकल से नीचे का ब्रांच, मेटलर्जी, माइनिंग, प्रोडक्शन, टेक्सटाइल, पॉलीमर, ये सब ब्रांचेज है। अगर ये सब ब्रांचेज आपको एक अच्छे मतलब टॉप के IIT से मिल रहा है, वही 7-8 जो आपका IITs हो गया, और वहीं पे आपको अगर एक एवरेज IIT में, जो आप एवरेज IIT में आपका IIT पटना हो गया, IIT गांधीनगर हो गया, BHU हो गया, खैर BHU तो एवरेज से बेटर है, हाँ, अगर आपका इन सब IITs में इलेक्ट्रिकल या उसके ऊपर का ब्रांच मिल रहा है, तो उस केस में आपको एक एवरेज IIT में ही इलेक्ट्रिकल या उसके हायर ब्रांच प्रेफर करना है, इन कंपैरिजन ऑफ बिलो द ब्रांचेज ऑफ केमिकल इन द ओल्ड IITs। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ओवरऑल बेनिफिट उठाना है ना। ऐसा तो नहीं चाहिए कि सिर्फ उस ब्रांच के वैल्यू कॉलेज के अंदर ही रहे, कॉलेज के बाहर काफी कम वैल्यू रहे उसका। और कॉलेज क्वालिटी का बात है तो ऐसा नहीं कि एवरेज IITs बुरा होता है, वो भी अच्छा ही रहता है। तो इस केस में आपको एवरेज IITs आप प्रेफर करिएगा तो वो बेटर रहेगा। और सेम केस में अगर आपका कोडिंग रिलेटेड फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप और कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करके एक न्यू IIT में आप CSE या ECE भी ले सकते हैं। पर हाँ, वहां पर मैं इसी से नीचे का ब्रांच आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। किस केस में आप इसी से नीचे का ब्रांच प्रेफर कर सकते हैं न्यू IITs में, अगर आपको एक एवरेज IITs में केमिकल से भी नीचे का ब्रांच मिल रहा है, केमिकल तक भी आप ले सकते हैं, पर अगर आपको केमिकल से भी नीचे का ब्रांच मिल रहा है अगर आप किसी एक अच्छे IITs में, तो उस केस में आप न्यू IITs में इसी से नीचे शिफ्ट हो सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो मिल रहा है वो ले लेंगे। और यहां पर मैं ये भी कहूंगा, अगर आपको एक अच्छा NIT में टॉप का ब्रांच मिल रहा है, ठीक है, जैसे CSE या ECE हो गया, और वहीं पर आपको एक नया IIT में आपको सिविल या मैकेनिकल मिल रहा है, तो उस केस में आप एक अच्छे NIT के CSE या ECE ब्रांच को प्रेफर करेगा, वो बेहतर रहेगा आप लोग के लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात है काफी यहां पर, जो न्यू IITs है या फिर ये कहिए काफी लो रैंक IITs है, उसमें IIT हैदराबाद को नहीं इंक्लूड करिएगा, वो काफी अच्छा उसका परफॉर्मेंस रह रहा है। तो हाँ, कहने का मतलब समझ रहे होंगे, कट ऑफ वाइज आप देख सकते हैं, जो भी लो IITs है उसको आप टॉप के NITs जो हो गए, 5-6 या 7 NITs टॉप के हो गए, उससे आप कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो टॉप का NITs हो गए वो आपका बेटर ऑप्शन रहेगा लो का IIT से। क्योंकि मैंने बात किया जो टॉप NITs में जो बच्चे पढ़ते हैं, त्रिची हो गया, वारंगल हो गया, वहां का जितना भी मैं फैसिलिटी सुनता हूँ, जो भी कल्चर सुनता हूँ, और सेम जो मैं IITs में कल्चर सुनता हूँ, काफी सिमिलर मुझे मिलता है अगर वो टॉप का NIT है तो। हाँ, कुछ कुछ डिफरेंस तो रहेगा ही, पर हाँ, फिर भी काफी हद तक सिमिलर रहता है, और नया IIT में वो चीज तो आपको बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा, अगर आपको एक अच्छे IIT में केमिकल से नीचे का ब्रांच मिल रहा है, जैसा मैंने इस केस का बात कर रहा हूँ कि केमिकल से जो नीचे ब्रांच हो गया वो आपको एक अच्छे IIT में मिल रहा है, वहीं पर आपको टॉप के NITs में इलेक्ट्रिकल या उसके ऊपर का ब्रांच मिल रहा है, उस केस में भी आप टॉप NITs को प्रेफर कर सकते हैं। इन शॉर्ट में बोलूं तो आप एवरेज IITs और टॉप के NITs को सिमिलर लेवल का समझ सकते हैं। और कई बच्चों का जैसे कमेंट आते रहता है कि भैया मुझे इस ब्रांच में इंटरेस्ट है, ये रैंक वगैरह है मेरा, आप मेरे लिए एक चॉइस फिलिंग का लिस्ट बता दो, मेरे लिए बेस्ट कौन सा ऑर्डर रहेगा कॉलेज और ब्रांचेस का। तो भाई साहब, 700 से ऊपर का चॉइसेस है, इतने सारे आप लोग बच्चे हो, मेरे औकात का लगता है आपको कि मैं सबका बता पाऊँ, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं कि मैं वो कर सकता हूँ हर एक बच्चे के लिए चॉइस फिलिंग ऑर्डर उनका प्रिपेयर करना। हाँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, पर एक जगह से आप खुद से कर सकते हैं, कॉलेज टी पॉइंट का एक काफ़ी शानदार ऐप है आपका, उसे मैंने खुद यूज़ किया और मुझे काफ़ी पसंद आया, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। करना बस आपको इतना ही है, आपको जो भी ब्रांचेज अपने चॉइसेस में भरने हैं, हर एक बच्चा का अपना प्रेफरेंस होगा कि नहीं भाई, मैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, ये चार ब्रांचेज को मैं भर सकता हूँ, वो चार ब्रांच आप वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप ये देख लीजिए वो आपको कहाँ पे चाहिए, NIT, IIT या IIIT, जो भी आप एलिजिबल हैं, जिसके लिए भी आप वहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है, बस आपका काम खत्म।
जो भी बेस्ट कॉलेज आपका होगा कट ऑफ वाइज, जिसका सबसे हाई कट ऑफ जाता है उसे समझा जा सकता है कि वो कॉलेज ब्रांच आपका बेटर है, तो कट ऑफ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। और आप चाहें तो आपको लग रहा है कि नहीं भाई, कट ऑफ वाइज तो भले ही ये कॉलेज हाइयर है पर उसके जो लोअर कट ऑफ है वो कॉलेज मेरा जाने का थोड़ा ज़्यादा मन है, हो सकता है किसी का वहाँ पे होम स्टेट हो, वो चाहे आप अपने अकॉर्डिंग उसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, वो भी वहाँ पर ऑप्शन है। और फाइनली आप लिस्ट को सेव करके डाउनलोड करके PDF फॉर्म में रख सकते हैं, ताकि जब आप फाइनली जोसा के साइड पर फिल करिए तो सेम चॉइसेस आप वहाँ पर भी फिल कर दीजिए। तो बस खत्म आपका पूरा चॉइस फिलिंग का प्रोसेस, सिर्फ 3-4 क्लिक पे आपने ब्रांच सेलेक्ट किया और आपको पूरा लिस्ट मिल गया कि हाँ भाई कौन सा बेस्ट आपको प्रेफरेंस ऑर्डर आपको भरना चाहिए जोसा में। देखिए वैसे कई बच्चे तो खुद से चॉइस फिल करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, मैंने भी खुद से किया था, पर यह भी रियलिटी है कि कई बच्चों को चॉइस फिलिंग करने में काफी प्रॉब्लम आता है। उनके लिए ये बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, और जो लोग खुद से चॉइसेस फिल करने वाले हैं उनके लिए भी कुछ काम का फीचर इस ऐप में। एक कॉलेज प्रिडिक्टर है जिसमें अपना रैंक हो गया, होम स्टेट हो गया, IIT NIT सब सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपके रैंक या कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट कॉलेज मिल सकता है रैंकिंग वाइज प्लेसमेंट वाइज वो सारा वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। अब बोलिएगा ये तो कहीं पर भी मिल सकता है, इसमें खास क्या है? तो खास ये कि सेम जगह पर आपको उस कॉलेज का प्लेसमेंट डिटेल हो गया, कितना सीट है, कितना फीस लगता है, ये सब आप देख सकते हैं। और ये कॉलेज प्रिडिक्टर बिल्कुल फ्री है आपका जोसा और सीसैप के लिए। वहीं पर मैंने जो चॉइस फिलिंग का बताया उसका प्राइस आपका 499 रुपीज़ है जोसा के लिए, और अदर टाइप ऑफ काउंसलिंग के लिए 399 रुपीज़ है। तो आप लोग सभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ कॉलेज टी पॉइंट का, डाउनलोड करिए। और जिन लोगों को चॉइस फिलिंग में हेल्प चाहिए वो खुद से नहीं कर पा रहे तो आप जाइए इनका पेड मेंबरशिप ले लीजिए, काफ़ी सिंपल वे में आपका चॉइस फिलिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब वापस आते हैं वीडियो में। यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, जिन लोगों को अभी टॉप के IITs में आपका सिविल मिल रहा है या मैकेनिकल मिल रहा है, वहाँ पे मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा आप एक थोड़ा लो कॉलेज चले जाइए और आप इलेक्ट्रिकल ले लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन रहेगा। वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपका दोनों का मजा है। कॉलेज तो ऐसा है नहीं कि आप टॉप IITs के सिविल मैकेनिकल से एक नीचे जाकर इलेक्ट्रिकल ले लीजिएगा तो कॉलेज बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। पर वहीं पर अगर आप इलेक्ट्रिकल ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोर का और नॉन कोर का दोनों का मजा आने वाला है। इलेक्ट्रिकल के जितने भी जॉब हो गए उसमें तो आप जा ही सकते हैं, इलेक्ट्रिकल जो कोर जॉब हो गया प्लस साथ में जो कोडिंग रिलेटेड फील्ड हो गया आपका, जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर ये सब का रिक्वायरमेंट होता है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलता है, तो आपको दोनों ऑप्शन खुल जाएगा। पर हाँ वहीं पर किसी बच्चे को सिविल या मैकेनिकल में कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट है तो फिर आप जिस कॉलेज में मिल रहा है वहीं पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस भी है जो मैं अभी नहीं आगे चल करके बताता हूँ आपको, पहले NITs का बात कर लेते हैं। तो अगर आपको टॉप के NITs में लोअर ब्रांचेज वही हो गया माइनिंग टेक्सटाइल प्रोडक्शन ये सब अगर आपको मिल रहा है, वहीं पर एक एवरेज या डिसेंट NIT में आपको सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, और आपको लोअर NITs में CSE या EC मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको बीच का रास्ता चूज करना है। एक डिसेंट NIT में एक डिसेंट ब्रांच को जाना है, ना ही आपको ब्रांच से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना है ना ही कॉलेज से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि कॉलेज बढ़िया रहेगा तो बढ़िया आपको एक्सपोजर मिलेगा, बढ़िया इन्वायरमेंट मिलेगा, ग्रुप मिलेगा, कहीं कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और ब्रांच अच्छा रहेगा तो ओवरऑल स्कोप आपको बढ़िया मिलेगा कॉलेज के अंदर भी और कॉलेज के बाहर भी। और IIITs का जहां तक बात है तो जो भी टॉप के 4-5 IIITs हो गए उनको आप टॉप के NIT से कंपेयर कर सकते हैं, मीन्स आप सिमिलर लेवल पर रख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप देख के डिसाइड कर लीजिएगा। और जितने भी बाकी के IIITs हो गए एक दो को छोड़ करके, हो सकता है किसी का एक दो का प्लेसमेंट अच्छा रहता होगा मुझे एक्जैक्टली नाम नहीं पता, तो उसको आप एवरेज NITs में रख सकते हैं, नहीं तो बाकी IIITs को आप जो लोअर NITs हो गए उनके सिमिलर लेवल का समझ सकते हैं। और यहाँ पर दो ब्रांचेस को लेकर के मैंने आप लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन देखा है, सिविल और केमिकल को लेकर के काफ़ी सारा कमेंट आया हुआ था कि इन दो ब्रांचेज में किसको प्रेफर करें। देखिए अगर आपको कोई कॉलेज काफ़ी पसंद आ रहा है और वहाँ पर केमिकल मिल रहा है तो आप केमिकल ले सकते हैं, वहाँ पर भी सही स्कोप है केमिकल में भी, पर जहाँ ओवरऑल स्कोप का बात आता है कि प्राइवेट में हो गया या गवर्नमेंट में हो गया तो वहाँ पर डेफिनेटली आपका सिविल बेटर ऑप्शन है। तो मैं तो आपको ऐसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप सिविल ही प्रेफर करिए, पर अगर आपको कॉलेज लग रहा है कि सिविल आपको पसंद नहीं आ रहा तो फिर आप केमिकल भी ले सकते हैं, जहाँ कॉलेज आपको पसंद आ रहा है केमिकल में भी आपका अच्छा ही स्कोप है। और यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ, मेरा जो कॉलेज वर्सेस ब्रांच वाला वीडियो हाउ टू चूज बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच, वो आप वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने जो चीज़ें बता रखा वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला हूँ आपका। तो आइए अब एक्सेप्शन केस के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आप में से किसी का भी एम एजुकेशन लाइन में जाने का है अपने फ्यूचर में, अगर किन्हीं को प्रोफेसर वगैरह बनने का मन होगा या फिर कोचिंग वगैरह में जाके पढ़ाने का मन होगा, जो 11th-12th का कोचिंग इंडस्ट्री हो गया उसमें अगर जाने का इंटरेस्ट है, या फिर मेनली प्रोफेसर वगैरह जाने का मन है, तो वहाँ पर आपका कॉलेज का टैग काफ़ी मैटर करता है। उस केस में फिर आप यही चीज़ देखिए, रामबाण आप कहिए जो भी बेस्ट कॉलेज आपको मिल रहा हो, जो मैंने पहले बताया न्यू IITs हो गया या ओल्ड IITs हो गया, तो उस केस में आपका ओल्ड IITs ऊपर आ जाएगा। NITs में भी वही सेम चीज़ हो गया, जो बढ़िया NITs है उसको आप प्रेफर करिए। और मैंने जो आपको बताया किस केस में आप IITs छोड़ करके, न्यू IITs छोड़ करके आप एक टॉप के NIT में चले जाइए, तो उस केस में अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, एजुकेशन लाइन में जाना है, तो फिर आप NIT छोड़ करके IIT के टैग के ऊपर ही जाइएगा, वो आपको ज़्यादा काम करेगा। पर हाँ ये भी देख लीजिएगा कि कहीं टैग के चक्कर में आप वो ब्रांच नहीं ले रहे हैं कि जिसमें आपको आगे चल के पढ़ाने का मन ही नहीं है, क्योंकि आप पढ़ाएंगे तो आगे चल के वही ब्रांच में जिसका आपका BTech किया हुआ रहेगा उसी में आप प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि किन किन ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है आगे चल के टीचिंग परस्यू करने का, और फिर
जो भी बेस्ट कॉलेज में मिल रहा होगा वही आप ले लीजिएगा। यहाँ पे एक और केस आता है, कुछ बच्चों को क्या रहता है कि यार मुझे प्लेसमेंट वगैरह नहीं लेना आगे चल के कॉलेज का, मुझे तो गेट का या इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी करना है, किन्हीं को हो सकता है यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना हो। तो आप देख लीजिए कि जिसका भी आपको तैयारी करना है कहाँ पर आपका कोचिंग फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल है बढ़िया, तो जिस कॉलेज में भी आपका अवेलेबल हो रहा होगा, लग रहा है इस सिटी में ये कॉलेज है और इस सिटी में ज़्यादा बढ़िया फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप थोड़ा कॉलेज या ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करके वहीं पर ले सकते हैं। और अब लास्ट सवाल, किन्हीं किन्हीं बच्चे का ये कमेंट आता है कि भैया जितने भी ब्रांचेज है उसमें से कौन सा ब्रांच सबसे ईजी है या कौन सा ब्रांच हार्ड है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल में मेरा एक दोस्त है, उससे मेरा बात होता है, वो मुझे एक बार क्या बोला, यार इलेक्ट्रिकल सबसे हार्डेस्ट ब्रांच है, इससे हार्ड ब्रांच और कोई नहीं है। मैकेनिकल वाले से बात होता है, वो भी एक दिन मुझे बोला, यार जितने भी ब्रांचेज है ना सबसे हार्ड ब्रांच तो मैकेनिकल ही यार, और सबका तो ईजी होता है। और मेरा खुद सिविल है और मुझे फील होता है कि यार इससे हार्ड और क्या हो सकता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। कोई भी एक बच्चा केवल एक ब्रांच ही वो परस्यू करता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है कि आप 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ा है कोई भी बच्चा और तीनों में कंपेयर करके बता दिया, अरे केमिस्ट्री तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, फिजिक्स ऐसा है और मैथ तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट में आता है, ये सब लोग बोल देते हैं। पर कोई भी जो भी आप सुनते हैं कि ये ब्रांच बहुत हार्ड है या ईजी है, ये मतलब मुझे तो नहीं समझ में आता कि किस हिसाब से कोई बोल सकता है। जितने भी अलग ब्रांच है वो प्रोफेसर भी खुद एक ब्रांच पढ़ा हुआ है, तो और ब्रांच में क्या क्या हार्ड है, हार्डनेस उस ब्रांच का वो कैसे बताया जा सकता है। और कोई एक स्टूडेंट भी है तो वो भी तो खुद अपना ब्रांच ही परस्यू कर रहा है ना, तो वो तो बोलेगा कि बहुत हार्ड है। या फिर कोई बच्चा वो ब्रांच बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है छोड़े हुए, तो ये भी कह सकता है कि यार मेरा ब्रांच तो सबसे ईजी है। तो फाइनल बात यही है कि हर एक ब्रांच का कुछ अपना काइंड ऑफ उसका हार्डनेस है, टफनेस है, और हर एक ब्रांच का कुछ अपना इजी पोर्शन भी होता है। कुछ ही लोग ये लॉजिक देते हैं कि इलेक्ट्रिकल सबसे हार्ड ब्रांच इसलिए क्योंकि उन्हें कोर का भी पढ़ना होता है, नॉर कोर का भी पढ़ना होता है। तो भाई मतलब दो अलग चीज़ पढ़ने से वो सबसे हार्ड हो गया, कई हो गए कोर ही पढ़ना लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ना भी हो सकता है किसी को, ऐसा भी तो हो सकता है। और जो बात आई है कि जो लोग नॉन कोर भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल में, देखिए वहाँ पे होता ये है कि पढ़ते तो मेनली कोर ही है, पर कई बच्चे कोर के अलावा खुद से वो मेहनत करते हैं नॉन कोर की तरफ, और एक अच्छा अच्छा गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बड़े बड़े कंपनी में जाते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होते भी। तो वो तो यार उनके अपने मर्जी के ऊपर है, कई बच्चे अपने अलावा उतना मेहनत करते हैं और कई बच्चे नहीं भी करते हैं, तो इससे उस ब्रांच को तो हार्ड नहीं बोला जा सकता है। वैसे तो सिविल मैकेनिकल से भी कुछ बच्चे काफी टॉप के सॉफ्टवेयर कंपनी में चले जाते हैं अपना खुद का मेहनत से करके, जैसे सुंदर पीछे भी लोअर ब्रांच से थे और साइड से अलग से कोडिंग में काफी एफर्ट डाल करके उस जगह पे चले गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रांच को सबसे हार्ड कर दिया जाए, क्योंकि उस ब्रांच के बच्चे अपना ब्रांच का तो पढ़ाई कर ही रहे और साथ में कोडिंग या कुछ और का भी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ और आप पढ़ रहे, तो आपका अपना इंटरेस्ट आपके अपने मर्जी के ऊपर है। तो चलिए, आई होप जो भी आपको कन्फ्यूजन आ रहा होगा चॉइस फिलिंग का, प्रेफरेंस डिसाइड करने में किसको ऊपर रखे नहीं रखे, उसमें आपका कुछ कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। मेरे सजेशन से कुछ आपको हेल्प मिला होगा, और हेल्प मिला है तो आप लोगों को भी पता क्या करना है, दबा के वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और अभी आगे भी कई सारा बेनिफिशियल कंटेंट आएगा आपको काउंसलिंग को लेकर के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े भी रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।